न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। फाइनल मैच में इंग्लैंड के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जब विलियमसन के नाम का ऐलान किया गया तो कई लोग चौंक गए। अपने नाम को चुने जाने पर एक बार तो खुद विलियमसन का भी भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने 10 मैचों में 82.57 की औसत से 578 रन बनाए। कीवी कप्तान ने 2 शतक और 5 अर्धशतक जमाए। वह वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में चौथे पायदान पर रहे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने में उन्हें भारत के रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन को पीछे छोड़ा। विलियमसन के नाम का ऐलान जब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए किया गया तब बताया गया कि उन्हें न केवल 578 रन बनाए बल्कि बेहतरीन कप्तानी के बूते टीम को फाइनल तक पहुंचाया। ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 2 बार मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। उन्हें आईसीसी के स्वतंत्र पैनल ने इस खिताब के लिए चुना। बता दें कि टूर्नामेंट के कई मैचों में विलियमसन की कप्तानी ने विरोधी टीमों को पटखनी देने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में रोहित पर विलियमसन भारी पड़ गए। रोहित शर्मा ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाए लेकिन वे विश्व कप में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। रोहित ने सबसे ज्यादा 648 रन बनाए। रोहित ने 9 मैचों में 81 की औसत से 648 रन बनाए। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए और इसी के साथ वह एक विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भी बल्लेबाज बने। उनका सर्वोच्च स्कोर 140 रहा। सचिन ने 2003 में साउथ अफ्रीका में खेले गए विश्व कप में 673 रन बनाए थे। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर साकिब अल हसन भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने में सबसे बड़े दावेदार थे। उन्होंने 606 रन बनाए और 11 विकेट लिए। ऐसे में उनका दावा मजबूत था लेकिन उनका दावा भी विलियमसन के आगे कमजोर पड़ गया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।